अभी आपको बताएं कि लियारी, खिमाड़ी और कराची के कई ऐसे इलाकों से नशे के आदि नौजवानों को खेल की तरफ रागब करने वाला बॉक्सिंग कोच तनवीर खान की कितनी मेहनत शामिल है, इस बारे में देखते हैं शाहरुख शाह की रिपोर्ट। शहर कायद में बढ़ता हुआ नशा नौजवानों को गलत रास्ते पर गामजन करने लगा। जवान इसकी लत में मुब्तला ना हो, इसका बीड़ा उठाया है खिमाड़ी बॉक्सिंग क्लब के कोच तनवीर खान। पहले से ही जबूहाली का शिकार है, ऐसे में नौजवान खेल के बजाय दूसरी लत में लग जाए तो कौम का मुस्तकबिल तारीकी में डूबना यकीनी है। ऐसे में बच्चों को नशे से दूर रखना और उनको खेल की तरफ रागिब करना तनवीर खान ने अपना मिशन बना लिया है। बच्चों को ट्रेनिंग करवाते कोच तनवीर खान का कहना था कि नशे जैसी लत को इस मुल्क से खत्म करना और बच्चों को खेल की तरफ लाना है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस ड्रग्स की लत में लग चुके हैं और इससे बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है वो कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। वो कोशिश किया है वो बॉक्सिंग के थ्रू। हेड कोच इब्राहिम भी तनवीर खान के मिशन से खुश दिखाई दिए। अगर हम स्पोर्ट्स को आगे की तरफ ले जाएं तो इससे हमारे को जो है ना, हमारे लड़के जो है ना नशों से बच जाएंगे और हम हर किसी को ये दावत देते हैं कि अपने बच्चों को क्लब की तरफ भेजें। क्लब में बॉक्सिंग सीखने वाले बच्चों का कहना था कि बॉक्सिंग खेलने के लिए नशे से दूर रहना कोच तनवीर खान यही सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम लोग इन चीज़ों से दूर हुए और मैं यही सब लड़कों को कहता हूँ, न्यू जनरेशन को कहता हूँ कि अब आप भी आए स्पोर्ट्स की तरफ से और मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे नौजवान नस्ल नशे से दूर रह सके और खेलों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सके। कैमरामैन काशिफ अमीद के साथ शाहरुख शाह, बोल न्यूज कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।